कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि टेस्टिंग सही समय पर हो। अब सवाल ये है कि किसको और कैसे कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों में विदेश से या देश के किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से लौटे हों और उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हों, तो उन्हें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आप कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसे गंभीर रोगी जो सांस, निमोनिया और तेज बुखार से पीड़ित हैं, उनके लिए भी कोरोना टेस्ट जरूरी है। इसके अतिरिक्त कोविड सेंटर या अस्पताल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण हो या जो सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में हो, उन्हें भी 5 से 10 दिन के बीच कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना का टेस्ट कहाँ करवाएं? हरियाणा के हर जिले में कोरोना टेस्ट के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में सैंपलिंग सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संभावित क्षेत्रों में हरियाणा सरकार द्वारा मोबाइल वैन से भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सैंपलिंग सेंटर की जानकारी आप टोल फ्री नंबर 108 या 1075 से भी ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट निशुल्क है। समय पर कोरोना टेस्ट करवाकर हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और हाँ, घबराएं नहीं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोते रहें। हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं।